और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर, नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। ये सबसे दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रशंसकों के आंसू नहीं थम रहे ये खबर सुनकर, क्योंकि लंबे समय से इस चीज की दुआ वो कर रहे थे कि जितनी परेशानियों से होकर वो गुजर रहे हैं आखिरकार वो जिंदगी की जंग सरह से हार जाएंगे। आपको याद होगा 9 अगस्त से पहले वेंटिलेटर पर रहे, कई दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रहे, अगर हाथ में एक मूवमेंट भी होता था तो एक आस जाग जाती थी समर्थकों के बीच, परिवार के लोगों के बीच। लेकिन दुखद खबर यही है कि राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान लोगों को इतना हंसाया और वो आज लोगों को रुलाकर चले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल में 9 अगस्त से एडमिट थे लेकिन अब राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। उनके करियर की अगर बात करें तो उनके एक्ट लोगों को आज भी गुदगुदा रहे हैं। वो जब बीमार थे तो कई जगह से ट्विटर के जरिए कई हैशटैग्स भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहे, लेकिन दुखद ज्यादा इस लिहाज से क्योंकि सभी को हंसाने वाला अगर तरह से रुलाकर चला जाए, क्योंकि मन्नतों का दौर जारी था, दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। दुखद है इस लिहाज से क्योंकि राजू श्रीवास्तव के लिए दुआएं पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी आ रही थी, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थक, उनके फैंस लगातार अपडेट हर एक चाह रहे थे। अस्पताल से एक भी अपडेट आती कि राजू श्रीवास्तव की हालत सुधरी है, राजू श्रीवास्तव की हालत ठीक हुई है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बढ़ जाती और सभी को यही लग रहा था कि अब क्योंकि स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, ब्रेन डेड एक बार घोषित कर दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी फिर से हेल्थ रिकवर हुई थी, तो आशा यही थी कि अब कहीं ना कहीं अपने घर एक बार फिर से उनकी वापसी हो जाएगी, घर लौट जाएंगे। जिम में वर्कआउट करते समय तबीयत उनकी खराब हो गई थी, 9 अगस्त से दिल्ली के एम्स में एडमिट थे, कोशिशें डॉक्टर्स ने कई देखी की और उसके बाद में एक स्पेशल टीम उनके साथ में हमेशा उन्हें मॉनिटर करने के लिए लगातार, जिनके समर्थक थे, जिनके अंदर कई नामी हस्तियां भी शामिल थी, कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थी, फोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे और उनकी हेल्थ का अपडेट ले रहे थे। लेकिन दुखद जानकारी, नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। दिल्ली में एम्स में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, आखिरी सांस उन्होंने वहीं पर ली। दर्दनाक, दुखद और ज्यादा दुखद इसलिए क्योंकि अब जब ये विजुअल्स हम देख रहे हैं जिसमें वो स्टेज पर परफॉर्म करते हुए हंसते हुए गुदगुदाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं, और शख्सियत भी जो रही, कई उनकी जीवनियां और कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि जो शुरुआती दिनों से उन्होंने दौर देखा, स्ट्रगलिंग के पीरियड से लेकर के जब तक इस बड़े मंच तक वो पहुंचे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक जब पहुंचे, उसके बाद भी तो फिर उनकी जो सफलताओं की फेहरिस्त है वो लगातार एक के बाद एक जुड़ती गई। वो आसान सफर नहीं था, ये राजू श्रीवास्तव का कहना है, एक सामान्य से परिवार से आते थे, इंडस्ट्री में कोई ऐसा गॉडफादर उनका नहीं था, लेकिन अपना एक नाम, अपना एक अलग मुकाम हासिल करना ये एक बड़ी बात है। ये वीडियो जब हम देख रहे हैं तो आंखें नम भी हो रही है क्योंकि इस तरह की खबर सामने आएगी, इसकी उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी, लोग यही सोच रहे थे कि अब वो ठीक हो जाएंगे और अपने घर लौट जाएंगे, अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। उनकी बेटी लगातार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट देती रहा करती थी, लेकिन अब जब ये खबर सामने आई, राजू श्रीवास्तव जिनका निधन हो गया, बड़ी खबर है, दुखद खबर है, फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अपनी आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को एम्स में एडमिट राजू श्रीवास्तव हुए थे, 9 अगस्त को उनकी तबियत नासाज हो गई थी, वर्कआउट जिम में कर रहे थे, लेकिन निधन उनका हो गया। और ये बात बार बार बोलकर दिन हमारा भी टूट रहा है, 10 अगस्त का वो दिन था और एक लंबा समय अस्पताल में निकाला, डॉक्टरों की हर एक टीम और हर एक कोशिश आखिरकार विफल हो गई, ये जाने की उम्र नहीं थी ना ही कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज से वो प्रभावित थे, लेकिन अचानक ही जो उनके साथ में एक बड़ा परिवर्तन उनकी हेल्थ में हुआ और उसके बाद में जब से वो हॉस्पिटल पहुंचे अपने घर फिर नहीं लौटे, अस्पताल में तभी से थे कई राजनीतिक हस्तियां जो कि उनकी फैन थी, क्योंकि हमेशा से राजू श्रीवास्तव का जो एक काम करने का ढंग रहा, जो उनकी खासियत रही, वो ये थे किसी तरह की अश्लीलता और किसी तरह की फूहड़पन उनकी कॉमेडी में नहीं था, अच्छे स्टैंड अप आर्टिस्ट होने के साथ में एक अच्छे व्यक्ति भी थे और इस चीज की महत्वता को जानते थे कि एक परिवार जब बैठकर के एंटरटेनमेंट के लिए कोई शो देखता है और अगर उसमें कुछ फूहड़ चीज आ जाए, कुछ अश्लील एलिमेंट आ जाए तो सबके लिए वो मोमेंट एम्बैरेसिंग हो जाता है, लिहाजा इस चीज को उन्होंने अपने पूरे सेट्स के समय ध्यान रखा, अपने पूरे परफॉर्मेंस के समय इस चीज का उन्होंने खास तौर पर ध्यान रखा और उस समय के
जो स्टैंड अप आर्टिस्ट थे, जो कॉमेडियंस थे, वो उन्हें अपने गुरु के तौर पर देखते थे, उनसे सीखते थे, उनकी जो बारीकियां थी, उनके जो हाव भाव थे, जो किरदार वो स्टेज पर जाकर निभाते थे, जो वॉइस मॉड्यूलेशन उनके रहते थे, वो आज भी सभी को याद है। और बचपन से जब हमने भी राजू श्रीवास्तव को देखा, उनका एक किरदार जो कि जो काफ़ी फेमस हुआ था, गजोधर के तरीके से वो जब बात किया करते थे, हंसाते थे, गुदगुदाते थे, लेकिन अब एक लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद सांसों की डोर टूट गई, नहीं रहे राजू श्रीवास्तव, दुखद है ये। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को एम्स में एडमिट हुए थे, लेकिन उनका अब निधन हो चुका है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली, और आज पूरा देश ये खबर जब सुन रहा है, दुख उतना ही हमें हो रहा है। भले ही पर्सनली उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन एक शख्सियत के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर जितना भी सुना, जितना भी उन्हें देखा, इतना ही पाया कि वो एक बुलंद हस्ती थे, और उनका किया हुआ काम, उनके रोल्स, उनके सेट्स, उनके परफॉर्मेंसेस लगातार जितनी बार भी देखेंगे वो उतने ही ज़्यादा रिफ्रेश, उतने ही ताज़ा और उतने ही नए लगेंगे। और ये चेहरा जो कि हंसाता था, गुनगुनाता था, ये हमेशा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो जाएगा। इतनी कम उम्र में ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। ये ऐसी खबर जिसको नहीं सुनने के लिए लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। कई उनके ऐसे फैंस हैं जो यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे उनकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन देखिए, जद्दोजहद उन्होंने भी एक वॉरियर के तौर पर अपनी जिंदगी को वापस पाने के लिए खूब की। 10 अगस्त से लेकर के आज जब उनका निधन हुआ, तब तक वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे। कई दफा उनकी तबीयत बिगड़ी, कई दफा ठीक हुई। थोड़ा भी अगर शरीर में कुछ बेहतरी होती थी, कुछ भी मूवमेंट होता था, तो परिवार को भी एक उम्मीद जाती थी, और परिवार भी लगातार इस चीज को फैंस तक पहुंचाता रहा, ताकि फैंस के दिल में किसी भी प्रकार का संशय ना हो। सोशल मीडिया पर हालांकि बीच बीच में कई दफा ऐसे रूमर्स आते रहती थी, लेकिन परिवार हर दफा इसका खंडन करता था। लेकिन आज सुबह जब ये खबर आई, सोच पाना और यकीन कर पाना इस पर पहली दफा के लिए मुश्किल हो गया कि क्या ये खबर सही है, या फिर ये भी उन कुछ रूमर्स में से, अफवाहों में से एक है, जो कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद से लगातार सामने आ रही थी। लेकिन ये खबर जब पुख्ता हुई और जब ये चीज स्पष्ट हो गई कि जी हाँ, अब एम्स में उनका निधन हो गया है, ये जानकारी सामने आ गई है, तो हजारों नहीं, लाखों लोगों के, करोड़ों उनके फैंस के दिल टूट गए। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली, जिंदगी की डोर साथ छोड़ गए, नहीं रहे राजू श्रीवास्तव। 10 अगस्त से इलाज एम्स में उनका चल रहा था। एम्स में स्पेशली डॉक्टर्स की एक पूरी टीम, 15 डॉक्टर्स की टीम उनके साथ मौजूद थी। हर एक मूवमेंट की, हर एक घंटे की मॉनिटरिंग किया जाना, लेकिन सवाल सभी के जहन में यही था। बीच में कई बार उनके जो प्रशंसक, उनके मित्र सुनील पाल, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो शेयर करके रोते थे, बताते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है, अब ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट को, और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाने की वजह से स्थिति सुधर भी नहीं रही है। वेंटिलेटर पे जब उन्हें रखा गया था, तभी भी सुनील पाल ने एक वीडियो शेयर किया था रोते हुए। लेकिन जब ये जानकारी सामने आई कि मूवमेंट उन्होंने दिखाया है, होश उन्हें एक बहुत लंबे समय के बाद आया, तो उन्हीं के वो मित्र थे, और आपको याद होगा जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में ये सभी एक साथ पहुंचे थे और स्टेज पर सभी को गुदगुदाते थे, एक पूरी की पूरी टीम थी। सुनील पाल ने तब ये कहा था कि मेरे दोस्त को अब होश आ गया है, अब दुआएं इस तरह से जारी रखिए। लेकिन दुआएं सिर्फ और सिर्फ उनको शायद इस दिन तक के लिए, 10 अगस्त से लेकर अब तक के लिए, अपने फैंस के सामने इतना बताने के लिए कि वो जीवित है, उस तक ही काम आ पाई। लेकिन वहां दुआएं काम नहीं आई जहां पर ये प्रार्थना की जा रही थी कि राजू श्रीवास्तव ठीक होकर, स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौट आए, उनकी जिंदगी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो। दुखद है ये खबर, बड़ी खबर है, दुखद है, गमगीन समय। हर कोई दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली, नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। ना सिर्फ एक कॉमेडियन, एक अच्छे इंसान। कोविड के समय आप सभी को याद होगा, लगातार अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, उनके जॉनर में जिस तरह की कॉमेडी उन्होंने की है, कई मूवीज में उन्होंने
साइड रोल्स भी किए और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया कि हर इंसान जब ये खबर आज सुन रहा है कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे तो यकायक ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। भले ही उन्हें पर्सनली ना जाना जाए लेकिन उनका किया हुआ काम, उनके किए गए परफॉर्मेंसेस, उनकी कही गई बातें, मीडिया से उनके ताल्लुकात, उनके परिवार और फैंस के प्रति उनका लगाव, ये सभी वो चीजें हैं जो आज इस दिन को और भी ज्यादा दुखद और काला दिन उनके फैंस, उनके परिवार के लिए बना देती है। आज की तारीख 21 सितंबर कॉमेडी के क्षेत्र में एक काला दिन। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अब नहीं रहे, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांसों की डोर ने जिंदगी का साथ आखिरकार छोड़ दिया। हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। जानकारी थी कि अपनी तबियत को लेकर किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर थे, अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा से अलर्ट रहते थे, शराब से दूर रहते थे और कोशिश अपने बच्चों के लिए ही करता है हर इंसान, हर एक पिता, कि ज्यादा से ज्यादा जिए ताकि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुश देख सके, सफल होता हुआ देख सके। राजू श्रीवास्तव भी उन आम पिताओं में से एक थे जिन्होंने अपने आप को इस तरह के व्यसनों से दूर रखा जिससे फिट वो रहे, हेल्दी रहे और राजू श्रीवास्तव जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 24 दिसंबर 1963 को जन्म हुआ, अल्पायु में उनका चला जाना। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते थे, छोटे शहर से, लेकिन कानपुरिया अंदाज उनकी बातों में हमेशा से नजर आया। जिस तरह से उन्होंने स्टेज पर एक नहीं एक व्यक्ति तो वो थे लेकिन न जाने कितने किरदारों को उन्होंने जीवंत किया। उन किरदारों को जब आज के बाद में याद किया जाएगा तो वो आवाज अब नहीं आएगी जो कि राजू श्रीवास्तव उन किरदारों को दिया करते थे। देखिए दुखद है और प्रतिक्रियाएं अब आने लगी है क्योंकि खबर पर पहले किसी को यकीन नहीं हो रहा था लेकिन अब जब स्पष्ट हो गया है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, और चलिए हम बात कर लेते हैं भारत 24 के ब्यूरो चीफ अवनीश विद्यार्थी जी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, दुखद है ये राजू श्रीवास्तव का इस तरह से, जो कि सभी को हंसाते रहे अपने जीवन पर्यंत, उनका इस तरह से रुलाकर चले जाना, प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है दुखद है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसी शख्सियत जो हर किसी को हंसता हुआ मिला, हंसाता हुआ मिला और उस शख्सियत को इसको समूचे उत्तर प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने बहुत प्यार सम्मान मान दिया जी। और इसीलिए दिया क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में भी लोगों को हंसाकर लोटपोट कर देते थे। ऐसे व्यक्तित्व थे जो राजनीति में भी आए, प्रशासनिक व्यवस्था में भी आए, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के वो चेयरमैन थे, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। अलग अलग तरीके के उनके रंग थे, उनके व्यक्तित्व के, उन तमाम चीजों के बाद जब गंभीर बीमारी ने उनको चपेट में लिया, वो अचानक एक्सरसाइज करते करते जो है वो गिर पड़े और उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद फिर उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा। कई बार इस तरह की खबरें आई लेकिन फैंस के माध्यम से, एक फैन की तरह भी हम लोगों को भरोसा नहीं होता था और एक मित्र के नाते भी भरोसा नहीं होता था कि राजू श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो शख्स जो सबको हंसाता था, सबको खूब हंसाता था, आज रुला गया। आज उसके जाने का गम फिजाओं में भी है, महसूस हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव वो शख्सियत जो लंबे समय तक हम सभी लोगों को टीवी के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हंसाते रहे, पूरा हास्य का जो मंच था उसको वो अपना केंद्र वो हो जाते थे और उस तरीके की शख्सियत का जाना वो काफी दुख भरी खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि फैंस को या उनके जानने वालों को, उनके मित्रों को, हम जैसे लोग जो उनके बेहद करीब थे, उन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये भी इस बात हो गई जी। अवनीश जी बिल्कुल, और देखिए अब जब वो चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके अगर जीवन को याद करें, उनके निभाए हुए किरदारों को याद करें, गजोधर का एक किरदार उन्होंने निभाया, जब उसकी आवाज़ में बात करते थे तो लगता था कि एक व्यक्ति नहीं है, 10 अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर उनके अच्छे लम्हों को हम याद करें आज के दिन पर, क्योंकि अब सिर्फ यही बचा है सभी के पास। जी हाँ बिल्कुल, सारे ऐसे व्यक्ति जो है जिन्होंने निभाए अपने जीवन में और वो व्यक्ति तो हमें बार बार दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो गजोधर का किरदार रहा हो,
या दूसरे और फिल्मों के किरदार या हास्य मंचों पर जो उनके किरदार थे, राजनीतिक तौर पर भी वो अक्सर हम लोगों से लखनऊ में जब मिला करते थे फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन बनने के बाद भी, तो फिल्म सिटी की बहुत सारी बात उन्होंने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नोएडा के आसपास फिल्म सिटी की अवधारणा थी उसमें भी बहुत प्रमुखता से काम कर रहे थे राजू श्रीवास्तव। और उनकी बीमारी का शोक न सिर्फ जिस दल से वो इस वक्त जुड़े हुए हैं उस दल को, बल्कि उनके विपक्ष में भी जो लोग जो उनको उनके चाहने वाले थे, उनके मुरीद थे, उन लोगों ने भी जो है संवेदना प्रकट की। उनको भी तकलीफ हुई क्योंकि उनसे भी बहुत अच्छे मधुर व्यक्तिगत रिश्ते उनके रहे। वो पार्टी दल से ऊपर एक ऐसे कलाकार के रूप में उनकी शक्ति थी जो सबसे मिलनसार था, व्यवहार कुशल था, कुशल वक्ता था, हास्य के तो वो हीरो थे। हिंदुस्तान में एक अलग अलग दौर चला, कभी कादर खान का दौर आया। उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, उन लाखों लोगों के लिए जो लगातार दुआएं कर रहे थे उनके लिए आज ये काला दिन है 21 सितंबर, जब राजू श्रीवास्तव के बारे में इतनी खराब खबर सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी, आप जुड़े और आपने अपनी बातें साझा की। दुखद है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। याद करेंगे उनकी जीवनी को, कहां से शुरुआत की, इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचे, ये सीखने लायक चीजें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते थे, लेकिन जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि आज जब ये खबर सामने आई लाखों लोग दुखी है। सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ हूँ रॉकेट से, जब रॉकेट ऊपर जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक खाली बोतल ले लेते हैं, उसमें रॉकेट लगाते हैं और आग लगाते हैं तो ऊपर देखते रहते हैं। चार आप छुड़ाइए, तीन आसमान में जाते हैं और एक फैमिली में जरूर किसी की लुंगी में जाते हैं। अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आखिर अलविदा कह गए। हमेशा लोगों को हंसाने वाला राजू आज रुला कर चला गया। ऊपर जाके कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह गजोदर भैया भगवान को प्यारे हो गए। अरे रुको रुको, अरे भैया अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हम हैं गजोदर भैया, हम आए हैं यहाँ पे मौज लेने। और कहा, अरे घर में बहुत बोर हो रहे थे, एकदम परेशान हो गए थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार गए। 10 अगस्त से राजू श्रीवास्तव एम्स में भर्ती थे। जिम में वर्कआउट के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी एंजियोग्राफी में हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर्स ने उनके हार्ट में 2 स्टंट्स लगाए, लेकिन नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा, लेकिन उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और अंत में जिंदगी की जंग हार गए। राजू श्रीवास्तव के जाने से पूरा बॉलीवुड गमगीन है। राजू के लाखों फैंस सदमे में हैं। सभी यही कह रहे हैं कि सबको हंसाने वाला राजू आखिर रुलाकर कैसे चला गया। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद राजनीति गलियारों में भी खामोशी है। हर कोई कॉमेडी के बेताज बादशाह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उनका असल नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। मुंबई आने के बाद ही उन्होंने अपना नाम राजू श्रीवास्तव रखा। कानपुर के एक कवि के बेटे राजू श्रीवास्तव को शुरू से ही लोगों को हंसाने का शौक था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव अपने आंखों में कई सपने लेकर माया नगरी मुंबई आए। सपनों के इस शहर में आकर राजू श्रीवास्तव की चीजें आसान नहीं रही। उस वक्त इतने बड़े महानगर में पहचान बनाना आसान नहीं था। जब वो मुंबई पहुंचे उस वक्त लोग कॉमेडियन को बड़ा कलाकार नहीं समझते थे। उस समय कॉमेडी जॉनी वॉकर से शुरू होकर जॉनी लीवर पर खत्म हो जाती थी। काम नहीं मिलने पर उन्हें भी पैसों की तंगी रहती थी। खर्च चलाने के लिए उन्होंने ऑटो चलाया। राजू श्रीवास्तव ऑटो में सफर कर रहे लोगों को जोक सुनाकर हंसाते।
बदले में उन्हें किराए के साथ टिप भी मिल जाती थी। स्टैंड अप कॉमेडी का जन्म भारत में राजू श्रीवास्तव से ही हुआ है। पिता के कवि होने के नाते कॉमेडी की कला राजू श्रीवास्तव की रगों में बसती थी। ऐसे में कॉमेडियन बनने का सपना लिए राजू श्रीवास्तव तमाम परेशानियों से आगे बढ़ते रहे। फिर एक दिन ऑटो चलाते वक्त ही राजू श्रीवास्तव की किस्मत चमकी और उन्हें एक कॉमेडी शो के लिए ब्रेक मिला। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद राजू ने डीडी नेशनल के मशहूर शो टी टाइम मनोरंजन से लेकर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक अपनी खास पहचान बनाई। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव उप विजेता रहे और इसी शो में उन्होंने अपना गजोधर भैया अवतार दिखाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।